आयो यज्ञम विश्वस्य विश्वस्य भुवनम से नादे हैं। जहां भी हम खड़े हैं वही पूरे विश्व ब्रह्मांड का सेंटर केंद्र है। ईश्वर एक ऐसा वृत्त है जिसका केंद्र तो हर जगह है लेकिन परिधि कहीं नहीं। देखिए तभी आनंद कहलाया और सब व्यापी तभी ना कहलाएगा, मतलब केंद्र हर जगह है लेकिन कहीं परिधि नहीं उसकी, कमाल का। तो इसने तो जहां भी हमारा ध्यान जा रहा है उसमें ईश्वर को देखनी चाहिए। और बिंदु साधना में देखिए ईश्वर का विस्तार देखते हैं। हम लोगों का जो सौर मंडल है ये बड़ा सा, जितने निहारिकाएं आकाश गंगाएं ध्रुव ताराएं और अरबों खरबों अनंत तारे सब मिला करके एक ब्रह्मांड कहलाते हैं। और ऐसे करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड हैं कि अभी हमारे शरीर में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों को देखो और सारे करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड मिल करके एक महाअंड होते हैं। वो एक छोटा सा परमाणु है उसकी तुलना में। और वैसे अनंत महाअंड मिल करके अति अंड बनाते हैं, वैसे अनंत अति अंड मिल करके कोई एक और बड़ा बनाते हैं। इसकी अनंत श्रृंखला है, समझिए कितनी हम कल्पना नहीं कर सकते। उसकी तुलना में अपनी बड़ी को कितना उसके सापेक्ष कितना छोटा मानेंगे, शून्य। तो अपने में अहंकार नहीं आएगा जब हम अपने ऊपर सीधा सत्ता को देखें, उसके सापेक्ष में हम शून्य हैं तो क्या अहंकार करेंगे। और अपने को गुलामी भी न हो और साथ भी न हो तो नीचे वालों को देखेंगे। अपने शरीर में 72,000 अरब बॉडी सेल्स हैं और हर बॉडी सेल्स एक ब्रह्मांड है। इतने ब्रह्मांडों के तो मालिक हम हैं तो छोटे क्यों लग रहा है कि हम बिल्कुल मिडिल पॉइंट में। इस मिडिल पॉइंट में अपने आप को स्थिर रखना कि ना हम छोटे हैं ना अति विशाल हैं, एक समत्व दृष्टि आती है। तो जहां भी आता है कि वो ऊपर को देख गला ले, जहां आता है अवसाद तो नीचे को देख करके उसका हटा दे। तो यह साधना जो भी को अनितने स्थिर लाती है। तो टाइम एंड स्पेस में भी हमारा इंजॉय बंद रहता है। मंदिर में गए यहाँ पर ईश्वर है बढ़िया, मंदिर से बाहर निकले यहाँ खराब हाल। जब ईश्वर सब जगह है तो मंदिर में भी हमको उज्ज्वल आना चाहिए, बाहर भी आनी चाहिए। इसलिए एक योगी को केवल एक शिव जी से पेट नहीं भरता है, सारे पृथ्वी को शिव जी मान लेते हैं। बोल अब छोटा छोटा शिव जी कितना घूमे, पूरा पृथ्वी शिव जी है खत्म। तो पूरे समग्र को लेकर के और उसके साथ चलते हैं। तो कणकण ईश्वर है या बुद्ध तो होनी चाहिए, केवल खास जगह नहीं और खास जगह नहीं। तो वो इसलिए इसकी हमें साधना करनी पड़ती है। ओमनीपोटेंट ईश्वर सत्ता के दर्शन में ये बिंदु साधना की स्थिति में आती है। क्लियर हो रहा है? ईच एंड एवरी पॉइंट गोज प्रेजेंट एंड एक्टिवेट्स ऑल सिस्टम्स कमांड्स, ये वाली बात रहती है। तो वो हमें बिंदु साधना का अभ्यास करना चाहिए टाइम एंड स्पेस में क्या करते हैं। तो अब कणकण में हर परमाणु में कहीं भी देख सकते हैं। तो उस हालत में अच्छा बुरा का भेदभाव खत्म हो जाएगा। ओमनीपोटेंट सत्ता के अच्छा हम लोग को सत्संकल्प पाठ गुरु जी करवाए, रोज हम लोग चिल्ला चिल्ला कर बोलते भी हैं। पहला ही सत्संकल्प क्या है? ईश्वर को सर्वव्यापी मानकर उसके अनुशासन को अपने में स्वीकार करें और न्यायकारी सर्वव्यापी, तो सर्वव्यापी मानने वाला एकांत में भी गलती नहीं करेगा क्योंकि देखेगा कि यहां ईश्वर तो देख रहा है और मैं तो देख रहा हूं कि मैं क्या कर रहा हूं। तो उसकी इतना आमूल परिवर्तन आएगा और हर जगह है तो आनंदित होगा, आनंदमय है, शांतिमय है, उसका अनुभूति का लाभ है। सुख में दुख में आनंद का लाभ है। हम लोग दुख में भी मिलाने लगते हैं इसलिए कि आशक्त हो जाते हैं कि वहां पर शरीर से अपने आप को बांध के रख रहे हैं। शरीर से कष्ट होगा शरीर से आसक्ति होगी, मन से आसक्ति होगा मन का कष्ट होगा, धन से आसक्ति होगा तो धन कोई चुरा लेगा लूट गया तो धन का कष्ट होगा। इस किताबन सर से यहाँ पर पढ़े गए थे कोई कष्ट नहीं हो रहा था क्योंकि उसको शरीर से आसक्ति नहीं, इसलिए शरीर का कष्ट नहीं। तो आसक्तियों को छोड़ने को ही तपस्या करते हैं। तपस्या मैंने हाथ पांव सीधा टेढ़ा मेढ़ा करने नहीं, किंग तपा। अब देखिए ऊर्जा का उपनिमन कैसे करते हैं, तो उसमें कष्ट से ऊपर उठ जाएगा। अपने आप को कष्टों से ऊपर उठाना हो तो भी ये चक्र साधना में आएगा, कला साधना में भी आता है। तो
जैसे सात को बना देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ पर है पृथ्वी तल, इसको भू, एक नए स्टाइल में समझिए, भूवा, सात लोग, स्व, मह, जन, तप, सत्यम, एक अलग सीक्वेंस है समझने का। कैसे भू, भू में यदि अपनी चेतना को लगाए होंगे, वृत्ति सारूपम की तरफता, पतंजलि ने कहा कि आत्मा का आत्मस्वरूप का एक स्वभाव है चेतना का, कि चित्त वृत्तियों के निरोध करेंगे तो उसको अत्यंत शांति आनंद मिलेगा, और कष्ट तभी होता है जब किसी से अपने को अटैच करे, रिक्त करे, तो वह चेतना किसी वस्तु से, मन से, बुद्धि से, अहंकार से चिपक जाती है, तो अपने स्वरूप को भूल जाए, उसी को अपना मान जाए कि मैं शरीर हूँ मानने लगता, मैं मन हूँ, मैं प्राण सब मानने लगता, तो वृत्ति सारूप्यम की तरह अगर उसके सिवा किसी भी चीज के साथ जुड़ा रहेगा तो उसी के अनुसार अपने आप को मान्यता बना लेता है, वृत्त बना लेता है। तो अपने आप की सत्ता को भू में देखेंगे, यहाँ पर भू में मैंने जितने भी ब्रह्मांड में पार्टिकल्स हैं सब भू में, और अपने शरीर के भी सारे भू हैं, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उसके सारे परमाणु आपके भीतर में ध्यान करेंगे तो आ करके और शरीर के भीतर में प्रवेश करके और जितना भू है उसको मजबूत करेंगे, यानी हड्डियों में कोई रोग हो, मांसपेशियों में रोग हो तो मूलाधार पर ध्यान करके ठीक किया जा सकता है। सारी कर्मेंद्रियां पृथ्वी तत्व से बनी है, भू से बनी, जो पार्टिकल है पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं, काम करते हैं, तो यहां पर आप ध्यान करके प्रकाश का उसकी किरणों को आप अपने हड्डियों में जाकर के दधीची की तरह तपा दीजिए, एकदम तीरा डायनामाइट की तरह कर, 4000 वर्ष तक हड्डी ने इसी खराब होना चाहिए, नर्व बॉडी में, रेस्पिरेटरी में 1500 वर्ष तक फेफड़ा खराब नहीं होना चाहिए, 200 वर्ष तक हार्ट की आयु है, 250 वर्ष तक किडनी की आयु है, चमड़े की आयु है, 1000 वर्ष निकाल गए, ऐसे मसाला से भगवान बनाए, हम लोग रफ यूज करके जल्दी से खत्म कर दिया, जब ढेर लंबा पार्ट्स लगाए गए सर तभी ना 100 साल का गारंटी देगा कि कितना वो रफ यूज करेगा तो 100 साल तक यही लेगा, यानी हम लोगों ने महा रफ यूज किया इस सब का, तो उसको इसी तरीके से आप ध्यानात्मक भी प्राणाकर्षण प्राणायाम सबसे तगड़ा, प्राणाकर्षण किया गया सारे भूलोक से और शरीर के भीतर में सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स परमाणु आकर के आपके भीतर के बहुत तत्व को, कर्मेंद्रियों को बहुत मजबूत कर दिया, सारे जो सॉलिड पार्टिकल्स भूवा कहते हैं विचार प्रणाली के, ये भू हो जाता है, ये पृथ्वी तत्व हो जाता है। यहाँ मूलाधार जब तक पेट भर जाए, 1 मिनट में सत्संग से देख लिया, 1 सेकंड में हो गए, यदि पका हुआ साधक है तो 1 सेकंड में चार्ज कर लेता है, मिनिस मात्र है, अभी ध्यान की गति पर नियंत्रण नहीं है तो धीरे धीरे ठंडाना लगता है, अब 1 सेकंड के 1000वें ही समय ध्यान में चले जाते, कहीं भी रोड पर कौन बावज रहा है हमारे ध्यान लग जाएगा कैसे, और यदि अभ्यास नहीं रहता तो बंद करवा देगा, ये हल्ला गुला बंद करो, ध्यान लगा लो, तो कब तक बंद होगा, हल्ला गुला संसार तो चलते ही रहेगा, हम ही अपने को ऐसा क्यों ना बना लें, ईश्वर हर जगह है तो हर जगह शांति को प्राप्त, ईश्वर शांति में, तो अपने स्तर को ही ऊंचा उठाना पड़ता है, हम अपने जैसा संसार को नहीं बना सकते लेकिन संसार में अपने को एडजस्ट करने लायक बना सकते, ये बिल्कुल सरल तरीका है। तो वो भूवा विचार, इससे जैसे उठेंगे तो विचार जगह साधक को प्रभावित करता है, विचारों से प्रभावित होता है, तो कहा जाता है कि स्वाधिष्ठान के चक्कर में फंस गया, विचारों के चक्कर में फंस गया है, ऐसा बोल दिया है, टेंशन कर दिया है, मन से निकल नहीं रहे, इसको भंवर में ये डूब उतर आ रहा है विचारों का पर, तो यहाँ पॉजिटिव निगेटिव विचारों का कोई वैल्यू नहीं है, दोनों जरूरत है, गिरफ्तार नहीं दिलता, दोनों संसार को बैलेंस करने के लिए चाहो, जब जरूरत पड़ी तब उसका लाभ ले लिया, जब जरूरत पड़ी इसके लाभ लिया, अर्थिंग कमजोर है तो उसका लाभ ले लिया, प्लस लाइफ कमजोर है तो इसका लाभ ले लिया, दोनों को हम
श्रद्धा पूर्वक कीजिए, विचारों से अपने आप को साक्षी भाव जैसे जैसे रखेंगे ऊपर उठे, विचारों को प्रश्न करें, विचारों को देखें, निगेटिव विचार आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, हम उसमें टपुआ फंसा लेते हैं इतना जल्दी, बिना मीटर लगाए वाला टपुआ फंसा लेते हैं, तो हम कहते हैं निगेटिव विचार आ गया, आपके लिए थोड़े आ रहा था, वो दूसरे के लिए जा रहा था, और उसको आपने फंसा लिया रुक कर, तो वो जाके कहता था देखो हम तुम्हारे लिए आ रहे थे, बीच में टपुआ ले लिया, फंसा के ले लिया, इसलिए रुक लिया, तो हमें कुछ ही नहीं करना, वैसे विचारो जो अपने काम लाके इससे ट्यूनिंग कर, अनंत तरह के प्रवाह दौड़ रहे हैं पीछे, अपने लाइफ चैनल से ट्यूनिंग करके माइंड क्रिस्टल है उसको पकड़ना है, तो मैं केवल साक्षी भाव में देखें तो विचार जगत से ऊपर उठ जाता है, केवल इस चक्र से ऊपर उठने वाला साथ है, एक एक लोक है वो पृथ्वी लोक, इससे सूक्ष्म होता है विचार लोक, क्योंकि खोपड़ों से एकदम से बने, इससे जहां ऊपर उठे तो भाव लोक आएगा, भाव जगत, विचार से सूक्ष्म होता है भाव, मंत्र बोल रहे हैं तो कितने लोग कहता है उल्टा पुलटा गायत्री मंत्र बोला गया तो क्या हो गया, बोला गया तो लड़का पानी मांगने नहीं आ रहा है, पानी मांग लिया तो मम्मी अन्नी लाएंगे कि पानी ही देंगे, वो तो खुद जानते हैं ना कि मम्मी की क्या मांग रहा है, तो इसलिए भाव जगत में जाने पर विचारों का कोई मायने नहीं रह जाता, तो उसे बहुत सुप्रीम होता है, तो पदार्थ जगत की सत्ता यहीं पर खत्म होती है, यही दिन है स्थिर सूक्ष्म कारण, इसके बाद तो मजे वाली यात्रा से गुजरती है उन चक्र, इसलिए यहां पर भावात्मक भावनाओं से ऊपर उठने वाली भाव जगत में भी हमें बहना नहीं चाहिए, और उससे ऊपर की यात्रा हमारी, तो वो भावनाओं में एक रहता आह्लाद रहता है, एक एक लहर रहती है, और वो जाकर के एक प्रबुद्धता और बहुत अंतर तूफान रहता है, वो विचारों को महत्व नहीं देता, जो स्थान दिया है कि सुसाइड करेंगे करेंगे सर, तो उसको कितनों समझाइएगा, दिन में मान जाएगा रात पर जाइए और फिर सुसाइड कर ले, भावनाओं का बॉन्डर ऐसा होता है वो किसी बात को नहीं मानता, बस तो इसे बहुत तगड़े तगड़े, तो वो इसके भंवर में डूबने वाला भी आत्मिक लेयर को नहीं पा पाएगा, तो इसको ऊपर छिड़ते हैं ये महा कहलाता है, अब इसके बाद यहां तक कहा है ऋषियों ने, ये राम जी को पढ़ा रहे थे कृषि वशिष्ठ जो वशिष्ठ ने कहे हे राम चार तरह के ये होते हैं अहंकार, इसके ऊपर उठना पड़ता है, आपाद मस्तकम हम माता पितर विनिर्मिका, यानी इसका अहंकार रखने वाला बारहवां जन्म लेगा, मैं अमुक माता पिता कुल गोत्र जाति वर्णाश्रम उपाड़ी का हूं, यानी अपनी व्याख्या स्थूल सूक्ष्म कार्य तक अधिक से अधिक कर रहा, इसके ऊपर आत्मिक सत्ता के रूप में अपने नहीं फील कर रहा, तो इसलिए इसको अपग्रेड करो, ट्रांसम्यूट करो, तो अहंकार यह है अहंकार का लिया अहम महा की महान अहंकार अंत जहां पर होता महा में यह आता है अतीत सर्वभावे देव भावनाओं से परे, इसको रिफाइन कर देंगे तो भावनाओं को ट्रांसम्यूटेशन होता है, ईगो का ट्रांसम्यूटेशन इसमें होता है, स्वबोधत्व 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 का लिया है ये जगह, इसके लिए एक वाक्य दिया है कि हे राम अपने आप को ऐसा समझो कि अतीत सर्वभावे भी हो, सारी तरह की भावनाओं से मैं पहले हूं, बाला ग्रंथ अपि अहम तनु, एक बाल के अगले लोक के सोमा धतान सोमा के बाद सूक्ष्म मैं न, मुझे संसार की कोई भी शक्तियां छू तक नहीं सकती, इतना शक्तिशाली है मैं, न छुजंती ससराणी न हमने तहन वाले शरीर कुछ नहीं हुआ, अपनी सत्ता को याद करो आत्मा के एक सूक्ष्म परमाणु के रूप में तुम हो, अति सूक्ष्म अति सूक्ष्म, जहां परमाणु की भी सूक्ष्मता का अत्यंत यानी शून्य की इकाई को आत्मा कहते हैं ऐसा समझ, और वह शून्य बिल्कुल शून्य नहीं है, गुरुदेव ने कहा है कि शून्य है इतना, उसमें हाई ग्रेविटी है, डेंसिटी इतना है कि अनंत ब्रह्मांड निकाल सकता है, कल बच्चों की तरह साबुन का बुलबुला छोड़ा तो ढेर सारे ब्रह्मांड निकल गए और फिर शून्य तो विलीन हो गए, तो वो पूर्णमद पूर्ण निगम पूर्ण यानी शून्य होगा, उससे पूर्ण दिया और पूर्ण से पूर्ण निकाल दें तो भी पूर्ण रहेगा, ये तभी संभव है जब कोई शून्य हो, पूर्ण को कितना हो डिवाइड करें वो पूर्ण ही रहता है, यदि पदार्थ रहता है गिनती रहता तो संख्या घटता, इसलिए शून्य को कितना से डिवाइड करते रहेंगे उसमें
उसकी अहंकार स्वस्था बनती जाती है, ये देखते हैं सब जगह। तो कहीं ऐसा नहीं कि हम स्वबुद्धत्व में संसार के भीतर में अपने आप को वैराग्य वाला स्थिति ला दे, ये भी बंधन पड़ सकता है, ईश्वर को नहीं छू सकता कि अपने आप को एक पार्टिकल के रूप में और संसार से अलग हो, भावनाओं से परे हो, जब ईश्वर भावनाओं में भी देख रहे हैं यहाँ पर अंतर, ये अपने को मान रहा है कि भावनाओं से परे हो और एक सूक्ष्म परमाणु हो और एक आत्म तत्व, लेकिन ईश्वर तो सब जगह है, भावनाओं में, विचारों में, सबके पदार्थों में, हर जगह है, इसे ईश्वर से दूरी बनी रहती है तो इस भंवर में मत फंस जाए। तो अगला राव को शिक्षण दे रहा है और पीजी कक्षा में आप जागने लगे, कहे कि हे राव ये जना है, विशुद्धि चक्र यहाँ पर, इसमें कहते हैं जना लोक वाला, इसके लिए तो भावना करो, यहाँ पर था अतीत सर्वभावे भी हो, उसमें आपको भुला मत जाए, अतीत सर्वभावे भी हो, ये वाला सूत्र भावे भी हो, इसमें जगत जाल पदार्थ आत्मा ये होता है, इसमें जनह लोक विश्व विश्वात्मा जनह लोक जगत जाल पदार्थ आत्मा, सारा संसार ऊर्जा से बना हुआ है पदार्थ, जगत जाल पदार्थ आत्मा अहम एवं अक्षय, उसकी आत्मा मैं हूं और मैं अक्षय हूं अविनाशी, देखें पूरे सृष्टि कर्म का आत्मा मानो, अपनी चेतना से पूरे विश्व को सारे सृष्टि को ब्रह्मांडों को प्रकाशित करो तो भी तुम्हारा पुनर्जन्म नहीं होगा, ये केवल टेक्निक है और मोक्ष मिल जाएगा, तो सारे मोक्षदायी अहंकार है, इसको अहंकार योग की साधना करते हैं और ये हम वासना बढ़ रही है, उसकी वासना से साधक गिरता भी है और वासना से साधक उठता भी है, यदि वासना डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो साधक का प्राण क्षरण होगा, जो भी कुंडलिनी मिशन में आप पढ़ेंगे कुंडलिनी जागरण वाला में, इसमें भी वासना बढ़ाने को कह रहा है और वह वासना क्या कर अभ्यास वासना तरंग भी बहुत सारे वासना के अभ्यास से साधक बहुत साधक को पार कर जाए, तो वहां वासना शब्द लिया है कि ये वासना नीचे था उस वासना को इसके साथ जोड़ो, तो वासना का ट्रांसम्यूटेशन काम शक्ति का उद्धरण उतना ही चिपका जितना चिपका संसार पर था उतना चिपका यदि स्वस्थ प्रति कर दे तो एक जुनून बढ़ा। अमीर खुसरो महबूबा कहते थे ईश्वर को ऐसा संबंध क्यों न जोड़ रहे जिसके लिए तुम सब कुछ दे सकता, मीरा ने पति कहा सखा कह दिया उन्होंने, इन्होंने बाल सखा ग्रुप में लिया, तो अपने संबंध इसलिए बनाए जाते हैं कि प्रेम अत्यधिक प्रगाढ़ हो, यानी आनंद में उसकी साधना प्रेम की प्रगाढ़ता की साधना है, जिससे हम प्रेम करते हैं वो करना उगड़ा होते जैसा लगता है उसके दोष होता है, तो ध्यान की अवस्था में ईश्वर से बेस्ट फ्रेंडशिप आगाद हो और बाहर खुले तो सारे कार्यों से प्रेम हो, यानी प्रेम के साथ तन्मयता जोड़ दिया जाए तो आनंद की वृद्धि हो जाएगी, तो प्रेम के डायमेंशन को बढ़ाने को आनंद को उसकी साधना कर क्लियर हो रहा, तो वो आगे बढ़े तो जगह लोग से प्रेम कर रहा है यहाँ पर, यह है जगत जाल पदार्थ आत्मा, उसका ऐसा है जगत जाल एक श्लोक है इसका, जगत जाल पदार्थ आत्मा सारे सृष्टि की मैं आत्मा हूं, तपा लोग अनाशक्त लोग है, कहीं ऐसा नहीं कि पूरे सृष्टि में आसक्त हो जाए और सृष्टि तो परिवर्तनशील है शून्य है, तो शून्य को सहित मान करके आसक्त हो गया, राम जी को वैराग्य हो गया था संसार से और अर्जुन को राग हो गया था संसार से, दोनों 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 ही निशाग्रस्त है, कमाल की बात है, अर्जुन भी निशाग्रस्त है क्योंकि वो हो गया है राग से और राम जी भी निशाग्रस्त है वहां क्योंकि तो वैराग्य हो गया है संसार से, दोनों दोनों विषादग्रस्त था और जैसे कि विषादग्रस्त होते हैं तो ईश्वरीय सत्ता कोई ना कोई प्रकाश की किरण भेजते हैं उनको उठाने के लिए, वहां कृष्ण उसको वैराग्यात्मक शिक्षा दे रहे तो यहां पर शिष्य रागात्मक शिक्षा दे रहे थे कि तुमको वैराग्य कहां से हो गया जब संसार है ही नहीं तो वैराग्य क्यों हुआ, सरल दृष्टि काट दी, वहां भी कर दिया कि जिसको तुम सोच रहे कि मारा जाएगा वो मारा होगा, उसकी सत्ता ही नहीं है तो मराएगा कौन और आत्मा मरती नहीं, इसलिए उसको भी यहां की वाली लाभ दी, तो तुम पदार्थ तो जो जगत था उसकी तुम आत्मा बनो, तो रगात्मा शिक्षण दिया यहां
स्त्री पुरुषों से बैराग्य हो गया था, शरीर से खाना पीना तक छोड़ दिए थे राम जी ने, जॉन्डिक्स हो गया था। जब गए थे कि स्वामी कर्मांग ने, तो पीलिया रोग हो गया था राम जी, कहीं पता नहीं भेजे थे वर्ल्ड टूर में, और उधर से पता नहीं कौन कौन महात्माओं को भाषण सुन लिया है और खाना पीना छोड़ दिया है, बैराग्य हो गया इसे, और आप भी आग्रह मांगने के लिए हमको कहीं स्वस्थ नहीं जा चलते, नहीं वही चाहिए, वो खाना पीना नहीं खा रहा है, बिल्कुल मरी है, बुलाइए तो हम देखें क्यों नहीं खा रहा है, क्या सोच रहा है। भरी सभा में राम को बुलाया, 16 वर्ष की आयु में थे और वहां पर जनक भी बैठे थे, वो भी बैठे थे, सारे और भी वशिष्ठ भी बैठे थे, विश्वामित्र भी थे, और अंतरिक्ष में देवसिंह नारद वगैरह भी सुन रहे थे, कह रहे ये देखो मजा आने वाला। तो राम से पूछा गया कि आखिर तुम क्या सोच करके संसार से वैराग्य, तो इतना वैराग्यात्मक शिक्षण दे दिया है, हाड़ मांस के कबाड़ के हिस्से में क्या वैराग्य, बचपन से हम क्या शक्ति करें कोई भी डांट देता है, बुढ़ापा से क्या शक्ति करें कोई चिढ़ाते रहता है, और जवानी से क्या शक्ति करें जो हमेशा ही अपने आप को मदहोश बेहोशी में भुला जाता है, संसार की हर चीजों को फालतू बता दिए। तो विश्वामित्र कहते हैं कि तुमको तो वैसा ही ज्ञान हो गया है अपने मन चिंतन से जैसे सुखदेव को हो गया। ये सुखदेव कौन था और सुखदेव के बारे में पूछने लगे। तो कहते हैं कि देखो एक जनक यहाँ पर बैठा है ना, 10,000 वर्ष पहले उस समय के जनक था, यानी जनक की परंपरा, और उसका सिलेक्शन होता था बनारस में, लिखे हैं बड़ी, और उस प्रदेश का उस एरिया का उसको बनाया जाता था शासक, जो ब्रह्मज्ञानी भी हो त्यागी भी हो ऐसे देखते शासक बनते। तो उस समय के जनक के पास आया हुआ था, उस समय के व्यास का लड़का एक व्यास यहाँ बैठा है, और वो सुखदेव था ऐसा तब ज्ञानी है, अंत ने बताया है कि हे वशिष्ठ आप ले जाकर पहले इसको ज्ञान दीजिए, बलादि बला विद्या में बला विद्या का लाभ दीजिए इसको, और ज्ञान कितना विस्तार कर दिया है जो वशिष्ठ ने, तो मानस में नहीं जो वशिष्ठ ने गुरुदेव ने सारे ग्रंथों को भाष्य कर दिया, हम लोग अध्ययन करनी चाहिए एक एक करके, पहले उपनिषद को आधार में रखना चाहिए जरूर, क्योंकि आत्मा के क्षेत्र में आगे बढ़ना। तो यह बात तो ये अनाशक्त लोग है, संसार में हम प्रेम तो करें सबसे लेकिन अनाशक्त है, जैसे संसार में सारे ह्यूमन बींग्स हैं, बड्डी है, पार्टिकल्स है, वो है, बाजार है, फल है, फूल है, सारा संसार में वैरायटी वैरायटी के लोग है, हमको प्रेम करनी है तो इसको प्रेम किया, टच किया और आगे बढ़ गए, जहां प्रेम करके गोल गोल घूमने लगते हैं तो वृद्ध बन जाते हैं, तो फिर आगे यात्रा रुक जाती है। इसलिए चित्त को वृद्ध बनने से रोको, चित्त को वृद्ध सटलाइज करने से रोको, ईश्वर टेंजेंशियल प्रेम करता है, कहीं पर गोल गोल घूमता नहीं है, सारे संसार को छूता है और टेंजेंस में रहेगा वही चक्का चलाएगा, जैसे मान लीजिए चक्का है संसार का, ये संसार का कोई चक्का है, ऊपर जो चलाने वाला है ये चक्र, ये भी एक चक्का है, तो ये दांत वाला चक्का इसको इसको ऐसे तभी घुमाएगा जब ये उल्टा घूमता रहेगा, संसार को चलाने वाला जरूर अपने आप को उल्टा रखता हो, रिवर्स गियर में तभी चला पाएंगे इसको विषय को। तो ये सिस्टम ने बात रखी थी कि इसको हम चलाएं या फिर जाकर किसी को जब रोड फेरना है तो सभी को फेर सके पार्टिकल्स को, तो टेंजेंशियल प्रेम साधक सीखता है, प्रगाढ़ प्रेम करे लेकिन वो राउंडेड मत लगाने लगे उसको, उसी से भी चक्कर में फंसे, तो चक्रवात से इसलिए कहा जाता है कि सारे चक्कर कहलाते हैं, कि कौन से चक्कर, चक्कर पर चक्कर चक्र कह दिया गया है, भावनाओं के चक्कर में, विचारों के चक्कर में, इमोशनल भवन में फंस गए, इन चक्रवातों से छूटने के लिए भी वही ज्ञान का प्रज्ञा के द्वारा इसको स्वाध्याय मन चिंतन से ले जा रहा है, अभ्यास करने लगेंगे तो बढ़ जाता है। अनाशक्त लोग कपा की व्याख्या किया है उपनिषद में, टाइम देख लेते हैं समाप्त कर देते हैं, और आज अंतिम दिन है 9:50 ठीक है, तो आप प्रश्नोत्तरी भी करेंगे, एक मिनट इसको समापन करते हैं। तपस्या क्या, उसमें भगवान बता रहे हैं शिव तपस्या की परिभाषा, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या इति प्रत्यक्ष ज्ञानाभिनय, इसके प्रत्यक्ष अग्नि से ईश्वर सत्य है, सारे संसार से वेव्स हैं, तरंग हैं, शून्यात्मक हैं, ऊर्जा का स्वरूप है और इसे ईश्वर एक सत्य है, तो वो वाली कृष्ण को प्रत्यक्ष ज्ञान के अग्नि से बुद्धत्व हो जाए, इस ज्ञान के अग्नि से क्या करे, ब्रह्मादि ऐश्वर्य आशा सिद्ध संकल्प भी संताप तपा, ब्रह्मा लोक करके ऐश्वर्य को सिद्ध करने वाले जो संकल्प होते हैं उसको, उस संकल्प को बीज को जला डालना तपस्या है, इसलिए गीता में लिखा है कि ब्रह्मा लोक तक के पुनरावर्ती है, और मैं चिकित्सा को देख रहे कि सारे देवताओं का स्वर्ग ले लो, राज ले लो, सुख रहो, उसके बाद का एक मत ही हमारा क्या होगा ये बताइए, तो जो सारे सुख
संपदाओं को विभूतियों को पदों को ठोकर मारने की सामर्थ्य रखता है वो अनाशक्त है, और अनाशक्त व्यक्ति का कोई मूल्य नहीं होता है। बहुत अनाशक्त कर्मयोग, अनाशक्त अवस्था में जब तक नहीं रहेंगे, प्रज्ञा में अस्तित्व यहाँ तक नहीं रहेंगे, तो सारा कर्म पाप करने में फंस जाएगा, या तो पॉजिटिव करेंगे या निगेटिव करेंगे। और इसी को अनाशक्त कर्म को ही योग कहा गया, अनाशक्त कर्म योग। एडिक्शन नाउ ईश्वरीय काम है, ईश्वरीय चिंता है, ईश्वरीय ड्यूटी है, ईश्वरीय भाव से करके बेटरमेंट ढंग से करके दे दें, अपना उसमें अटैचमेंट है। बैंक वाले जाता है दिन भर में न जाने कितने करोड़ों नोट गिन करके दे दिए, अनाशक्ति पूर्वक गिन रहा है, दो बार तीन बार चार बार दे रहा है, एकदम दो बार गिरेगा तीन बार गिनेगा ताकि एक भी अधिक मत दिया जाए, पेनाल्टी भरना पड़ेगा उसको, उसके काउंटर से नोट गबड़ा है, देखते हैं दो बार तीन बार चार बार उसे सुकरे। और यदि हेड मैनेजर है बैंक का घोषणा कर दे कि आज जितना नोट गिनेंगे सब आपका, अब देखिए दो चार नंबर कम भी है रखो अपने घर पर जाना है, हो जाएगा ना गड़बड़ सड़बड़ कर, और शक्ति ना भी चमक भी पड़ गई, कौन कितना खाना पीना छोड़ के पसीना से लथपथ होकर निकल गए, ये हुआ करता है एडिक्शन का। और ईश्वर का काम है दिन भर गिने करोड़ों घर में जाएंगे छूछे खाली ना महीने मिलने वाला है, कितनी अनाशक्ति है, कितना बेहतरीन कर्म कर रहा है। ये अनाशक्त वाला स्थिति तभी हो सकता है जब व्यक्ति अज्ञात चक्र में स्थित होकर के संसार प्रमुख कामों को करता है। इसलिए अज्ञात चक्र का ध्यान अलग ही बुद्धि का करने का, और शुरू से ही ध्यानात्मक विधि मंत्र जप और ध्यानात्मक यहाँ से लेकर के तपाए तब यहाँ से लेकर के ज्ञान उठाते हैं। ना नायमात्मा प्रवचन न लभ्य हो, यह आत्मा प्रवचन से नहीं मिलता, न मेधया न बहुधा सुनते, न तर्कों से भी नहीं मिलता है आत्मा, न बहुत सारा सुनती जेलों को याद कर ले या सत्संग कर ले। यमे वैसे रूपते थे न लभ्य तस्वी आत्मा रूपते छोड़े स्वामी, जो आत्मा और सिर्फ आत्मा को वर्ण करता है उसके लिए अपना जीवन रखता है उसको मिल जाता है। तो हमारे टॉप प्रायोरिटी पर अभी साधना नहीं है, इसलिए कभी कभी ब्रेकेज हो जाता है। एक नंबर पर यदि साधना रखें, आत्मा की भूख रखें, और सेकेंडरी में संसार के क्रियाकलापों को रखा जाए, तो उस हालत में वह दूरी घटती है, तो लाभ मिलता है। प्रायोरिटी कहाँ दिया गया, तो ये अनाशक्त है, और अनाशक्ति भी कहीं ऐसा ना हो तो भूल जाए, इसमें अनाशक्ति को लोक में रखें और अपने आप के प्रति भी आसक्ति खत्म करनी पड़ती है। अहम जगत व सकलम शून्य, मैं और सारा संसार शून्य है, क्योंकि सत्ता है ही नहीं निरा, जहां भी सत्ता रखेंगे तो फिर निराकार शब्द नहीं कहलाएगा, कोई भी कल्पना सारी कल्पनाओं से परिस्थिति लानी पड़ती है। तो यही जब यहाँ के चक्र से आगे भागते हैं, सहस्रार चक्र में प्रवेश करते हैं, तो सिर्फ सुषुम्ना को जाते हैं। इसलिए कहा है वेद में कि ओम ओम भी हमें ओम से भी आगे बढ़ना पड़ता है, ओम को भी छोड़ना पड़ता है। ओम धनुष है, ये देखिए ओम है, ओम को कह दिया यह है, ये धनुष है, ये तीर हो गया, इसको कहा जाता है ओम। ओम कौन सा है, ये धनुष, और तीर को कह दिया जाता है आत्मा, और लक्ष्य क्या है परमात्मा। अब देखिए यहां पर वेदना कर, इससे केवल वही निकलेगा तो जा सकता है, ओम को भी छोड़ना पड़ता है। ओम हम छंग आपको आज्ञा चक्र में खत्म हो जाता है, यहां से ऊपर सिर्फ प्रकृति को छोड़ दिया है, यानी ओम को रथ कहा जा सकता है, हमें वहां तक ले जाएगा जहां प्रकृति का लास्ट बाउंड्री हो, यानी हर जगह ब्रह्म है, तो जहां तक जो फ्रीक्वेंसी प्रकृति स्पंदन शुरू करती है उस फ्रीक्वेंसी से भी अलग होकर शांत अवस्था में आनी पड़ती है। इसलिए कहा जाता है कि रथ से उतर कर पैदल जाना पड़ता है, रथ तो बाहर ही नहीं रहेगा, तो सारी ध्वनियों का स्वप्न है, तो चाहे अनाहत हो या आहत हो, सारे शब्दों से पहले शब्दम स्पर्शम, तो यह ध्यानात्मक स्थिति नहीं हम उसको फील कर सकते हैं। तो अभ्यास हमें करनी चाहिए, और अभी के लिए विराम दे दिया जाए, और इसको ध्यान से देखिए तो ज्योतिर्लिंग जैसा दिख रहा है मंदिरों में,
कुंडलिनी जागरण की विधा को गांव गांव में कवि ऋषिगण पढ़ाते थे मूर्तियों के माध्यम से। तो क्योंकि ऊर्जा का उन्नयन के बिना आत्मा का साक्षात्कार नहीं होगा, ऊर्जा को उन्नयन करना पड़ता है, काम शक्ति को ज्ञान शक्ति में परिवर्तन करना होगा। इसलिए हर गांव में अन्य देवी देवता के मंदिर मिले ना मिले, कुंडलिनी साइंस का जरूर मिल जाएगा, ज्योतिर्लिंगों का मंदिर, लिंग वेदी उमा देवी, इसको उमा कहा है, और लिंगम साक्षात महेश्वर ऊपर वाला महेश्वर। और जहां ज्योतिर्लिंग देखते हैं यहाँ पर ऐसे त्रिपाद अष्टेंद्र गाड़ करके और यहाँ पर एक कलश लटका कर बुंद बुंद पानी करता है रुद्राभिषेक में, तीन दान की कर पीड़ा से सुनना और अमृत कलश सहसराज से करें जो बुंद बुंद टप टप करके इसको ठीक करते। इसलिए कहा है कि शिव संहिता में एक व्योम पंकज निश्यन दर सुधा पांडव है जो ससुराल कमल से टपकते हुए रस को पीता है, मद्यपान इदम प्रथम, उसी को कहा जाता है कि मद्यपान करता है। इतने मद्यपानी न बाकी सब तो पियक्कड़ है और शराबी बनकर कहीं खर्रा पी के मरा। तो ये योगियों का मद्यपान, मध्यम मांसम च मीनम च मुद्रा मैथिनमेव च मकारम पंचमम आहो योगिना मोक्षदायक, पांच मकार है जिसकी सेवा साधना किया जाए तो योगियों को मोक्ष मिलता है। मध्य है, मांस है, मीन है, मुद्रा है, मैथुन है, ऊपरी कक्षा में शब्द तो यही रहते हैं, परिभाषाएं बदल जाती है। निचले क्लास वाला भी था, कम बुद्धि का मैट्रिस्टिक माइंड को लेकर के जाने वाला था विरोचन, और स्पिरिचुअल माइंड को लेकर बैठे थे इंद्र, दोनों भाई थे ब्रह्मादि, भेजे की जा करके शिव जी के पास ज्ञान ले लो। पहले दिन क्लास में दोनों गया था, कहे कि पांच मकार है, साधना कर लेने वाला आत्मा को जान जाएगा, मध्यम मांसम च मीनम च मुद्रा मैथुन। दूसरे दिन विरोचन गया ही नहीं पढ़ने, क्या हमने जान नहीं गए, शराब पीना है, मछली खाना है, मांस खाना है और मिल जाए। इंद्र गया था, वो कहां गया जी, कहा कि हम तो जान गए कि शराब पीना भी नहीं, तो मध्य बोल मांस का तो बोल दिए थे, और जाके प्रचार कर रहा हुआ कि हमने जान लिया है, आत्मा को जान लिया है, खाओ पियो, यही करना होता है। शिव जी ने कहा, हमने कहा सोचा हमने कि शराब पीने वाला तो नली में पड़ा हुआ था, आत्मा कैसे जाना है, तो अपने को ही पता नहीं है कि कहाँ है, तो जरूरी है कि इसका व्याख्या कुछ और बता दो, आप बताइए कि इसका सही क्या है। तब वो वहां बोले थे कि योग पंकज निश्चिंतन सुधा पांडव कब है, इस शराब को जो पीता है तो वो आत्मा को पाता है, बाकी तो पियकड़ है और मध्यम नीचे की तरफ गिरे। मांसम मांस क्या खाना था, अपना पुरुषों पशु पुरुष ब्रह्म को नहीं खाया, ईश्वर ने अपने को गला कर अपने मांस को गला करके संसार बना दिया, अपने आप से ही जब कोई निकालता हो तो नहीं कहा जाएगा कि अपने आप को गलाया, बीज गला पेड़ बना, बीज कहां गया, गला दिया, अपने मांस अपने खा करके पेड़ बनाया। बाल समय बनी भक्ष लियो सविता को खाए थे वो, हम लोग उपासना में सूर्य को खाते हैं, ब्रह्म को खाना ही मांस को खाना, वही सारा सृष्टि। या फ्लेशी फ्रूट, फलों में भी तो मांस होता है, फ्लेशी फ्रूट ड्राई फ्रूट दोनों वैरायटी का फ्रूट, केला हो गया फ्लेशी मांसल फल, केला खा रहे हैं तो फल का मांस खा रहे हैं, गुद्दा जड़ी बूटियों का औषधियों का, या पशुओं का मांस खाना है तो काम क्रोध लोभ आदि पशुओं, काम क्रोध लोभ को पशु कहा गया, जानवरों का नहीं, वेद की अलग भाषा है, गो मां हिंसा ही कहता है, गाय की हत्या मत करो, अभी मां हिंसा बकरों की हत्या मत करो, मां हिंसा सर्वाभूता नहीं, किसी भी जीव जंतु की हत्या न करो, काम क्रोध लोभ आदि पशु, काम क्रोध लोभ को पशु कहा जाता है, जिस खोपड़ी में घुस गया आदमी जानवर की तरह व्यवहार करता है, इसलिए उसको खाओ। देखे मांस खाने वाला बन जाएगा कि नहीं, जरूरत तो इंद्र ई वाला खाने लगे और विरोचन
मीट की दुकान को बिठाता तो कुछ कब हमारा और कट के आएगा, असुर बन गया ये होता बन गया। मीनम च मछली, एक दिन मछली पढ़ा रहे थे, ये इधर मछली खाओ वो उधर पेट खाओ, तभी बात करने वाला है। अभी हम सुबह में सवा सौ मछलियां खा के मजा खूब स्वादिष्ट। शिव जी बता रहे थे यह गंगा जमुना मध्य है, दो मत्स्य चरता सदा, गंगा और यमुना नामक दो नदियां शरीर में बहती हैं, इसमें दो मछलियां बराबर चलते रहती हैं, ईड़ा और पिंगला, ईड़ा गंगा है पिंगला यमुना है, दो मछली बराबर दौड़ते हैं, रे चकुर रे चकुर, तो मत्स्य भक्षे स्तु, इन दो मछलियों को जो खाता है यानी कुंभन करता है मिलाता है सब हर मत्स्य साधक, उसी को कहा जाता है मछली खाता। कितनी कमाल की बात थी, कहां तंत्र है और कहां तांत्रिक बन करके हई पुजारा है, नकली को पूजवाने नहीं देंगे गुरु जी, असली अध्यात्म आ गया, अध्यात्म के नाम पर नकलीबाजी बहुत हुआ, बहुत खेला छुपे चल, युग परिवर्तन में शुद्ध और शुद्ध तत्व आ जाए, ये काम की बात थी। तो ऐसे ही है, मुद्रा तो नोट कठोर रहा था, मुद्रा कहां जा रहे लड़कियों को तिलक चढ़ा, तिलक तो यहां होता है, नोट कहा गिर रहा था, तिलक तिलक का अपने यहां पैसा साटे साटते तिलक न कर रहा है बर्फ जन्म, इसको नोट कहां से आ गया गुंजाइश। मुद्रा होता है दस मुद्रा है, महामुद्रा महावेन्द्र, इस मुद्रा करने वाला जरा मरण से मुक्त हो जाता है ना, इदम ही मुद्रा दस्तम जरा मरणास्तम, ये मुद्रा करनी थी वो कर लिया, खिचड़ी मुद्रा करनी थी सोहम साधना करनी थी ताकि शिव जगे, शिव जगता है सोहम साधना से। हे कार्तिकेय त्यजेत अज्ञान निर्मालम सोहम भाव न पूजते, अपने शरीर में रहते हुए शिव को जीव को सोहम भाव से पूजते, तो शिवत गाता है ये वाला प्लस वाला है जो केंद्र ऊपर ये पृथ्वी वाला भी है, यह जगता है सोहम साधना से और खिचड़ी मुद्रा से जगता है ऊपर वाला, और नीचे वाला शक्ति चालिनी मुद्रा महामुद्रा बंद पड़िया मुद्रा से जगता है नीचे बजरोली शक्ति चालनो। अच्छा आनंद आएगा तब पति पत्नी में विवाह होगा इनके सहचर्यों में तब लाइफ में आनंद आएगा। शिवरात्रि यानी कुंडलिनी जागरण की रात्रि, इसमें ग्रहों नक्षत्रों का ऐसा मैग्नेटिक फ्लो आता है कि कुंडली ज्ञान की साधना करेंगे आपको तेजी से संक्रमण हो जाएगा, और शिव विवाह का समय है वो शिव जी पार्वती जी का शादी करा देंगे, ये शादी करेंगे तो क्या होगा इनके भीतर में प्राण मंथन चालू हो जाएगा, तो धीरे धीरे क्या होगा इनकी ऊर्जा इनमें भूलेगी, ये ऊर्जा इनमें भूलेगी, तो ये ऊपर की तरफ उठनी शुरू होगी, शिवत तक घूमती चली जाएंगी, तीन एक दो तीन चार पांच छ, ये लड़का पैदा हो जाएगा छ मोबाइल कार्तिक, शिव पार्वती का विवाह करेंगे कुंडली जागरण करेंगे तो पहला बच्चा होगा कार्तिक, पराक्रम मिल जाएगा, पूरे पंच तत्वों की सृष्टि पर कमांड आता है, बॉडी पर भी आएगा और मन पर कमांड आएगा, पांच तत्व और एक मन बुद्धि अहंकार को महत्व कहते हैं, यही छ मोहल्ला कार्तिक है जो जन्म ले लेते हैं, और अंत में सहस्रार विवेक जन्म लेता है दमरा प्रज्ञा, वो बाद में जन्म लेगा लेकिन जाएगा पहले, क्योंकि हर जगह सारी सृष्टि विवेक से चल रही, यदि शिव जी का लड़का गणेश होते तो शिव के शादी में भी गणेश पूजा रहा था, वो कौन गणेश था वहां बड़ा नाम तारा बोला जा रहा था, इसलिए अलग पुराणों में अटपटे अलंकार लिखे जाते हैं कि अंधा भी प्रश्न करे, हम लोग प्रश्न नहीं किए तो मंत्र बुद्धि के बने रहे, कोई ना कोई साइंटिस्ट आकर के बता देगा, इसलिए प्रभु परिषद में गुरु जी ने एक सूत्र दिया है, ये मूर्तियां क्या है मंदिरों में, ओम सर्वादि प्रतिमा दृश्यम पाठ्य पुस्तक, सारी मूर्तियां किताब है पाठ्य पुस्तक, माध्यम चली दर्शनम, जिसके माध्यम से हम अध्यात्म के रहस्यों को समझते हैं, ऐसे कोई ये बात थी। अब लग रहा है ना कितना बढ़िया ये जागरण की जाती, तो जो कुंडलिनी जागरण है कहेंगे आनंदमय कोष का शक्ति पक्ष का जागरण,
और सहस्रार आनंद में उसका भाव पक्ष का जागरण, ईश्वर भाव संवेदना ली है और शक्ति सामर्थ्य है, दोनों को मिला देंगे तो लाइफ में निभा जाएगा। धन देनी है तभी तो धन से आनंद आता है, शक्ति में भी है, शरीर स्वस्थ रहते गलत मजा मस्ती आता है, और शरीर में दूर दर्द तो कराते बीतता है, इतना धन है कराते बीते, इतना बढ़िया प्रोग्राम हो रहा हो, आनंद है कराते बीते।